राष्ट्र के प्रति सम्मान के लिए, देश के प्रति सम्मान के लिए, राष्ट्र गौरव की भावना। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, आज के समारोह में मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री डीएस मिश्रा जी, पुलिस महानिदेशक श्री डीएस चौहान जी, प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, वीरता पुरस्कार प्राप्त भारत माता के सभी वीर जवान, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की सभी विभूतियां, प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए 75 ऐसे वर्गों से जुड़े थे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सम्मानित प्रदेश की विभूतियां भी बैठी हैं, जिन्हें अभी कुछ देर पहले मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इन सभी वीर सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवित होने की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, हम सबको अपने देश पर, अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे
जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः हर वर्ष आजादी का उत्सव जब होता था या तो बरसात होती थी या फिर इतनी भीषण गर्मी होती थी कि सामान्य परिस्थितियों में इस प्रकार के समारोह में खड़ा होना एक दूर की कौड़ी नजर आती थी। लेकिन आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस सुहावना मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रकृति भी परमात्मा के साथ मिलकर के इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। वास्तव में हमें इस आयोजन पर गौरव की अनुभूति क्यों ना हो। याद करिए विगत 2.5 वर्ष का वह कालखंड जब हम लोगों ने सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी क्या होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण